जालंधर के एक निजी होटल में एपेक्स ट्रेड फेयर की ओर से एक्सपो का आयोजन किया गया। इस मौके पर एपेक्स ट्रेड प्रमोटर नमिश अरोड़ा ने बताया कि लगभग पिछले दो दशकों से इस एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आईएएस मेंटोर एहसान उल हक ने विशेष रूप से उपस्थित होकर किया। एपेक्स द्वारा शहरवासियों को लेटेस्ट ट्रेंड की जानकारी और खरीदारी का मौका दिया जाता है। उन्होंने बताया कि 11 अगस्त से 13 अगस्त तक चलने वाली एक्सपो में प्रमुख ब्रांड कंपनियों द्वारा अपने उत्पाद प्रस्तुत किए जाते हैं और एक ही छत के नीचे लोगों की हर डिमांड को पूरा किया जा रहा है। यहाँ पर लगे अलग अलग स्टॉल्स पर बहुत ही कम दामों पर सामान उपलब्ध है, इसलिए उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि वे इस एग्जीबिशन में आकर मौके का लाभ उठाएं। इस मौके पर पारस दिलबागी, भाटिया जी, अश्विनी कुमार सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सो आई एम चंद्रकांत गुप्ता फ्रॉम महाराजा चाप हरियाणा और हम ये जालंधर में एपेक्स ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड माय कंपनी इज महाराजा चाप। हम सोयाबीन चाप बनाते हैं एंड फर्स्ट टाइम जालंधर में आए हैं जस्ट टू फाइंड अ डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर स्टॉकिस्ट फॉर माय प्रोडक्ट। हमारे चाप की खास बात ये है कि इट्स अ मल्टी ग्रेन चाप, 7 ग्रेन से बनती है ये, गुड फॉर हेल्थ। 21% प्रोटीन की गारंटी लेते हैं हम इसके अंदर और खाने में बहुत टेस्टी है। मैदा नहीं है ये, मैदा नहीं है, जो आमूमन बहुत लोग बनाते हैं चाप, दिल्ली में से आती है, लोकली भी बनाते हैं, लेकिन हमारी चाप में खास बात ये है इट्स अ मल्टीग्रेन चाप। इसकी शेल्फ लाइफ है 6 महीना और ये पैकिंग के अंदर आती है, फ्रोजन चाप है ये। दूसरी एक नई चीज़ हम लेकर आए हैं पहली बार, दिस इज मॉक मीट। मॉक मीट का मतलब नकली मीट और ये कच्चा आम बेचते हैं। रेडी टू ईट सेक्शन में हम बना हुआ बेचते हैं जिसको आपने गर्म करना है और खाना है। कच्चे के अंदर क्या होता है कि अगर आप मटन ग्रेवी में इसको कुक करेंगे तो ये मटन जैसा लगेगा, फिश ग्रेवी में कुक करेंगे तो फिश जैसा लगेगा, और इसको अगर चिकन ग्रेवी में कुक करेंगे तो चिकन जैसा लगेगा। और ये बहुत बहुत सस्ता है, बहुत ही कम्पिटिटिव प्राइस पे हमने इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है। जी, आई एम नमीश अरोड़ा, CEO अपेक्स ट्रेड फेयर। हमने जालंधर वासियों के लिए ट्रेड फेयर स्काईलॉक होटल में लगाया हुआ है अपेक्स ट्रेड फेयर के नाम से। इसमें हमने 3 कॉन्सेप्ट रखे हैं, होम, हेल्थ एंड एजुकेशन, जो आज के टाइम की एक ज़रूरत है और एक नेसेसिटी है। तो हम चाहते हैं कि लोग यहाँ पे आएँ, विजिट करें और हेल्दी प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखें। हमने बिल्कुल डिफरेंट और नई लॉन्चिंग यहाँ पे की है सारी कंपनीज की और मल्टीनेशनल ब्रांड्स में हमने लेके आए हैं। ये हमारा 3 दिन चलेगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 11 से लेकर 13। स्काईलॉक है, ये सेंट्रली एयर कंडीशनड वेन्यू है। इसमें हम लोगों के लिए अट्रैक्शंस भी रखी हैं, जैसे गेम्स रखी हैं, बच्चों के लिए लकी ड्रॉज रखे हैं, तीज त्यौहार है, डांस कंपटीशन है, जो लेडीज़ आएंगी उनके लिए मेहंदी फ्री है, नेल आर्ट फ्री है। तो काफ़ी हमने इसको अट्रैक्टिव भी साथ में बनाया है ताकि लोग आएँ और वहाँ यहाँ पर शॉपिंग तो करें ही करें, साथ में इंजॉय करें। लोगों यहाँ पर सैम्पलिंग हो रही है, फ्री सैम्पलिंग हो रही है, डेमोज हो रही है, तो एक बार आप इसमें ज़रूर विजिट करिए, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एट होटल स्काईलॉक। थैंक यू। अपेक्स ट्रेड फेयर जो जिसके CEO हैं मिस्टर नमीश अरोड़ा, मैं सबसे पहले इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इन्होंने जो ट्रेंड सेटअप किया आज से 10-12 साल पहले और इंडस्ट्री को, ट्रेड को और बिजनेस को एक अम्ब्रेला के नीचे ला कर के जालंधर के लोगों को जो ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अपने ट्रेड फेयर के थ्रू, तो ही डिज़र्व्स कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बड़ा हार्ड वर्क और मेहनत करके ये सारी इंडस्ट्री, अलग अलग सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज़ को इनवाइट करते हैं। तो ये जो करंट ट्रेड फेयर है स्काईलॉक होटल में जो 11 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त तक चल रहा है, इसमें मुझे आज इन्होंने इन्वाइट किया, तो मैंने आने के बाद महसूस किया कि 3 सेक्टर्स में इन्होंने इस ट्रेड फेयर को क्लासिफाई किया है, होम, एडुकेशन एंड हेल्थ। क्योंकि मेरा मानना यह है कि किसी भी कंट्री के लिए हेल्थ एंड एडुकेशन ये बेसिक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है ऑफ आवर नेक्स्ट जनरेशन। मैंने बहुत से स्टॉल्स विज़िट किए जिसमें ख़ास तौर से अगर मैं वेलनेस की बात करूं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बात करूं, तो इतने अच्छे अच्छे मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स आज इस ट्रेड फेयर में मौजूद हैं। और स्पेशली COVID-19 के बाद जो हेल्थ डैमेज हुई है उसको रिकवर करने के लिए जो इनके पास ऑर्गेनिक ब्रांड्स के
मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स आए हैं जिन्होंने अपने अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए हैं, अपने अपने स्टॉल यहाँ पर लगाए हैं। तो मुझे लगता है कि जलंधर के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है ये।